सुना है नचनिया बाप मस्ती थी, टाई टाइट बदन वाली ने खूब ठुमके लगाए शादी में, पर तुम्हारा चेहरा फिर भी उतरा उतरा क्यों है? चीज तो मस्त थी, लेकिन क्या फायदा, हमारी जवानी ही नहीं उछल पाई। क्यों, कहीं मर्दानगी तो कमजोर नहीं पड़ गई बढ़ती उम्र के साथ? अरे नहीं, वो बात नहीं, दरअसल मेरी बीवी साथ थी। हम जब नचनिया को घूरने लगते, वो हमें घूरने लग जाती थी। तेरी और क्या, जाम तो हमने भी खूब लगाए, पर साली नजर प्यासी की प्यासी। क्या बात है बाबा, क्या चाहिए? बो बो हमारी भैंस। भैंस? ये पुलिस थाना है, कोई पशुओं की मंडी नहीं जो तुम भैंस लेने चले आए। नहीं, वो हमारी भैंस चोरी हो गई है, रपट रखवाना है। लो कर लो बात, अब पुलिस और काम धंधा छोड़कर लोगों के भैंस कुत्ते ढूंढेगी, कहीं इधर उधर होगी, जाकर खेतों में ढूंढो, जाओ यहाँ से। मगर अरे कहा ना, जाओ यहाँ से, ये पुलिस का काम नहीं है, पॉकेट में टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे यार तुम भी, अरे जाने दे उसे, ये बुड्ढा हमारे किसी काम का नहीं है, आदमी की चाल ढाल सब कुछ बता देती है। फिर भी मैं बात करके देखता हूँ। अरे बाबा बाबा, ऐसा है, रिपोर्ट तो आपकी लिखवा देते हैं, मगर लिखने में जो शाही और कागज लगेगा उसके लिए थोड़ा, समझ रहे हो ना? कितना लगेगा? थानेदार, सिपाही, मुंशी, कुल मिलाकर 35। बोलो मंजूर है? बोलो बाबा, मंजूर है ना? चलो फिर लिखवाए रपट। आओ बाबा आओ। मुंशी जी, जरा एक शिकायत दर्ज कीजिए, बाबा जी की भैंस लापता हो गई है। भैंस? जहां तो आदमी गुम हो जाए वो ना मिले, भैंस कहां से मिलेगी आपकी? मिलेगी सर, मिलेगी, मैंने सब सेटिंग कर दिया है। सब सेटिंग हो गया? जी सर, ऊपर से लेके नीचे तक सब सेटिंग कर दिया है, बस आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। बाबा दस्तखत करोगे या मिठाई खाओगे? दस्तखत?